वेलकम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल ज्योतिष रेसिपी पर। आज हम चना दाल और आलू की सब्जी की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। सो नाउ लेट्स कुक टुगेदर। तो चलिए देख लेते हैं रेसिपी। चना दाल को हमने उबाल लिया है। दाल उबलते समय हमने इसमें बारीक कटा हुआ प्याज और कड़ी पत्ता डाला हुआ है। दाल को हमें भिगोकर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं उबलने के बाद हमारी दाल अच्छे से पक गई है। अब कढ़ाई में 2 से 3 चम्मच तेल डालेंगे। तेल गर्म हो जाने पर राई, जीरा और प्याज डालेंगे। प्याज को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। प्याज थोड़े से पक जाने पर बारीक कटा हुआ आलू डालेंगे। प्याज के साथ आलू को भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने से वो जल्दी से पक भी जाएंगे और टेस्ट भी अच्छा आएगा। अब हम इसमें कड़ी पत्ता डालेंगे और कश्मीरी लाल मिर्च को तोड़कर डालेंगे। इससे सब्जी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसी के साथ 2 से 3 तीखी मिर्ची भी हम डाल देंगे। सभी को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें दरदरा सा कुटा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अदरक लहसुन को भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे। जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और नमक डालेंगे। सभी सूखे मसालों को मिक्स करते हुए अच्छे से भून लेंगे। सभी को हमें 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लेना है। सभी चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स हो गई हैं। अब हम इसमें उबली हुई चने की दाल डाल देंगे। दाल को हमें पानी के साथ ही डालना है। इसे हमें मसाले में अब अच्छे से मिक्स कर लेना है। 3-4 मिनट के लिए हम इसे ढककर पकाएंगे। और अब आप देख सकते हैं चने की दाल और आलू अच्छे से पक गए हैं। सब्जी का तेल भी अच्छे से ऊपर आ गया है। अब हम इसे एक बार और अच्छे से चला लेंगे। 1 चम्मच हम घर में ही पिसा हुआ गर्म मसाला डाल देंगे। मसाले को भी अब हम दाल में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऊपर से हरा धनिया डाल देंगे। इस तरह से चना दाल और आलू की सब्जी बनकर तैयार है। इसे अब हम सर्व करेंगे। इसे आप पूरी, पराठा, रोटी, चावल के साथ खा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और अब मैं आपसे मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय।